कोई भी ब्राह्मण इस भोजन की ओर देखे जा सकता है। पंडित जी, हम आपसे माफी मांगते हैं। आप नाराज मत होइए। हम अभी आपके लिए शुद्ध भोजन बनवा देते हैं। बैठिए। राणा जी, ब्राह्मण भोज कोई मजाक नहीं है। ब्राह्मण धरती पर ब्रह्मा का अवतार होता है। ये भोजन आप हमें नहीं, देवताओं को अर्पित कर रहे थे। आज आपने सिर्फ हमारा नहीं, स्वयं ईश्वर का अनादर किया है, धर्म का अपमान किया है, और इसके लिए हम गायत्री देवी को दोषी मानते हैं। पंडित जी, हमारी बात। घर में जो कुछ भी होता है उसकी जिम्मेदारी गृहिणी की होती है, और जो अपनी रसोई की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकी वो आमेर कोट क्या संभालेंगे। गायत्री देवी रानी बनने के योग्य नहीं है। आज जो उसने किया है उसका प्रकोप आपको, आपके राज परिवार को और पूरी प्रजा को झेलना पड़ेगा। ब्राह्मण का अपमान भगवान के अपमान के बराबर होता है। इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं कि 24 घंटे के अंदर आपके राज्य में भयंकर प्रलय आ जाएगा, जिसमें आपके अहंकार के साथ साथ सब कुछ नष्ट हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, और लोग याद रखेंगे और कहेंगे एक था राजा, एक थी रानी, और रानी के पाप से खत्म कहानी। चलो। क्या हुआ गायत्री? तुम तो 3 दिए जलाने वाली थी ना, जो खुद बुझ गई हो। वो भला क्या दिए जलाएगी? तुमने ब्राह्मणों का श्राप सुना ना, अब वो बचे हुए 2 दिए नहीं जलेंगे, बल्कि पूरा आमेर कोट जलेगा, और तुम कुछ नहीं कर पाओगी, कुछ भी नहीं। लीजिए पंडित जी। धन्यवाद। अच्छा, प्रणाम। प्रणाम जी। देवताओं के सामने मनुष्य तिनके से ज्यादा नहीं होता। लग रहा है तूफान आने वाला है, और जब तूफान आता है तो तिनके बिखर जाते हैं। जरूर ये उस पंडित के श्राप का असर है। जी नहीं, ये उम्र का असर है सासुमा। कोई तूफान नहीं आने वाला। और किस श्राप की बात कर रही हैं आप? ये सतयुग नहीं है कि श्राप दिया और लग जाए। और इस युग में एक महंत के श्राप और एक बूढ़ी औरत के कोसने में कोई फर्क नहीं होता। और यहाँ सब जानते हैं कि बूढ़ी औरत के कोसने से कुछ नहीं होता। ये नई बातें आप जाने बहू रानी, पर अब इस उम्र में तो ये बूढ़ी मैना वो सब सीखने से रही। हम तो वही कहते हैं जो शास्त्रों में लिखा है, और शास्त्रों में लिखा है कि एक श्राप के असर से अयोध्या नगरी 14 बरस के लिए अंधकार में डूब गई थी। श्राप तो आप भी देकर गई थी ना सासू माँ। जैसा वो श्राप था वैसा ये श्राप है। कल हम रानी गायत्री और राणा जी पंडित जी के पास जाके क्षमा मांगेंगे, बस बात खत्म हो जाएगी। देखिए, सुबह से रात तक लोग अंग्रेजी सरकार को श्राप देते हैं। अंग्रेजों को कुछ हुआ, वो तो और लाल हुए जा रहे हैं। फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। रानी जी दुआई है, पृथ्वी पर प्रलय आ गया है।